हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। नीर के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी मुझे बहुत सारा सपोर्ट और हेल्प करेंगे। मेरा पुराना वाला चैनल डिलीट हो गया, जिससे मैंने अपने ही नाम से इस आईडी को स्टार्ट किया है, तो मेरा पुराना वाला वीडियो सारे डिलीट हो चुके थे। एक मैंने अपना शेयर चैट पर डाला हुआ था, तो वो वाला वीडियो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ, केक वाली रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने बिस्किट लिए थे ओरियो के, उसे फटाफट से क्रश किए, सारा क्रीम निकाला और फटाफट से इसके पाउडर हम लोग मिक्सर में डालकर बना लेंगे, बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे। और देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल फाइन पाउडर बनाने के बाद मैंने इसे एक बाउल में निकाल कर रख लिया है। साथ में मैंने आधा पौवा दूध ले लिया था, उसे भी हल्का हल्का सा करके मिक्स करते रहेंगे। बैटर तब तक हम लोग हल्का हल्का डालकर दूध को मिक्स करेंगे जब तक कि हाँ हमारा बैटर रेडी हो जाएगा इस तरह से, बिल्कुल अच्छा सा फटाफट से रेडी हो जाएगा। चलिए कढ़ाई को सबसे पहले प्रीहीट कर लेते हैं। अब चलिए, कढ़ाई तो हमारी प्री हीट होने के लिए हमने रख दी है और पूरा फुल फ्लेम करके हम लोग कढ़ाई को रखेंगे। साथ में एक स्टैंड रख लेंगे, अच्छे से इसे कढ़ाई में फिक्स कर लेंगे और फिक्स करने के बाद इसे फटाफट से किसी ऐसी बर्तन से ढक देंगे जिससे कि इसकी एयर बाहर ना निकले। मेरा कढ़ाई में ये थाली बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाता है, जिससे कि इसमें से बिल्कुल भी हवा बाहर नहीं निकलती और अच्छा सा हमारा जो गैस है, मतलब कढ़ाई है, वो प्री हीटेड हो जाता है। फिर चलिए, जो मैंने बैटर रखा हुआ था उसमें हम लोग फटाफट से इनो डाल लेते हैं और इसे एक्टिवेट करने के लिए आधा इनो ही डालेंगे। हम लोग एक्टिवेट करने के लिए इसमें 2 चम्मच हम लोग दूध डाल लेंगे और फिर इसे भी फटाफट से मिक्स करके चलिए इसे रख लेते हैं। फिर मैंने कटोरियों को ले लिया, इसे हल्का सा ऑयल लगा करके ग्रीस कर लिया था और फटाफट से सारी की सारी कटोरियाँ हमारी जो हैं वो ग्रीस हो गई हैं। और फिर इसमें मैंने बैटर डाल दिया था। सारा का सारा बैटर डालने के बाद हम लोग इसे थोड़ा थोड़ा टैप कर देंगे और टैप करके अच्छे से बैटर को फिक्स कर लेंगे। उसके बाद से डेकोरेशन के तौर पे मैंने 3 से 4 बिस्किट्स निकाल कर रखी हुई थी और क्रीम जो हमारे ऑलरेडी सारा का सारा क्रीम हमने निकाल कर रखा ही था, तो हम लोग उससे इसे डेकोरेट कर लेंगे, ऊपर से तोड़ तोड़ के डाल लेंगे। और तब तक हमारा जो कि कढ़ाई है ना, वो भी अच्छे से बिल्कुल प्री हीटेड हो चुका है। तो चलिए, अब जो हमारी कटोरियाँ हैं उसे इसमें रख देते हैं। हम लोग कटोरियों को आधा आधा ही भरेंगे, क्योंकि जो हमारा केक है ना, वो जब बनेगा तो बिल्कुल फूल कर बाहर बाहर तक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरी तो कटोरियाँ बड़ी बड़ी हैं, मैंने आधी आधी भरी हुई हैं और ये फूलने के बाद काफ़ी अच्छे हैं। तो 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर हम गैस को करके इसे अच्छे से ढक देंगे और ढकने के बाद चलिए चेक करते हैं। देख सकते हो आप लोग, क्या फूल कर आया हुआ है, बिल्कुल अच्छा सा हमारा जो केक है ना, वो बनकर रेडी हो गया, कटोरी केक। तो चलिए इसे सबसे पहले टूथपेस्ट की हेल्प से चेक करते हैं कि ये कहीं कच्चा तो नहीं है। लेकिन देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल क्लीन क्लीन हमारी टूथपेस्ट निकल रही है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। गैस को फटाफट से बंद करते हैं और इसे निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं साइड में। और ठंडा होने के बाद आप सभी देख ही सकते हो अच्छे से ये किस तरह से ना, हमारा जो केक है वो कटोरी केक, वो साइड साइड से कटोरी को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है इसने। तो चलिए, फिलहाल तो 10 मिनट तक मैंने इसे रख दिया था, बिल्कुल अच्छे से हमारी कटोरी जो केक है वो ठंडा हो गई थी। और फिर मैंने इस तरह से हल्का सा नाइफ की हेल्प से साइड से हटाया और देखो आप लोग, एक ही बार में फटाफट से ये निकल गया। इस तरह से जो बाकी की कटोरियों की थी वो भी बिल्कुल मैंने निकाल लिया, वो हल्का हल्का आप लोग देख ही सकते हो कि कटोरियाँ हमारी कितनी क्लीन निकली हुई हैं। ये जो लास्ट वाला था, 3-4 थप्पड़ मैंने खस के लगाए इसे, तब जाके ये वाला निकला था। तो चलिए, ये तो देख सकते हो आप लोग, कितनी अच्छी अच्छी जाली पड़ी हुई है। फिलहाल रिकॉर्डिंग पुरानी है, इस वजह से इस तरह से पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, बट ये काफ़ी अच्छी और टेस्टी बनी हुई थी। थोड़ा सा मैंने इस डेकोरेशन के लिए लिया हुआ है चॉकलेट और फिर मैंने केक को इस तरह से बीच से कट कर लिया। जो हमने क्रीम रखा हुआ था ना, उसे मैंने अच्छे से क्रश करके मैश करके रख लिया था और फ्रिज में डाल दिया था, तो इस तरह से ये थोड़ा टाइट टाइट से हो गए थे चॉकलेट की तरह बिल्कुल। तो उस तरह से फिर मैंने बीच वाले पार्ट में इन्हें रख दिया था और रखने के बाद मैं आप लोग को इसे कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा सा बिल्कुल वाइट, अंदर से क्रीमी सा हो जाता है ना ठंडा होने के बाद वो, तो उस तरह से क्रीमी चॉकलेट बिल्कुल वाइट वाइट सा चॉकलेट सा हो जाता है और ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा हमारा डो है बैटर वाला केक का, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो ऐसी क्रीमी और टेस्टी सी रेसिपी के लिए एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आई नो कि मेरा चैनल बहुत बड़ा तो नहीं था, बट मेरे 404 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, इस वजह से मुझे थोड़ा सा गम है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो मेरे शेयर चैट के चैनल पेज को भी ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।